हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्शन रिएक्शन पुष्पा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम पुष्पा है, जैसा कि इसमें आप समझ ही रहे हैं, और मैं रिएक्शन वीडियोस लेकर आती हूँ। तो गाइस, आज भी मैं आप फोटो देखकर और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ या किसके बारे में कुछ रिएक्शन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज से बात करते हैं। 11 महीने पहले नेहा जाती है अपने ससुराल वापस जबलपुर। मुझे लगता है कि जब से आशीष जी ख़त्म हुए हैं उसके बाद से उसका फर्स्ट टाइम ये शायद मेरे ख्याल से जाना हुआ है, और काफ़ी कुछ वीडियोस नेहा ने डिलीट कर दिए हैं। अब क्या मजबूरी है या क्या सोच के उसने डिलीट किए हैं? काफ़ी कुछ लोग सोशल मीडिया पर नेहा को बता रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि नेहा में अगर उसने अपने मम्मी पापा के ख़िलाफ़ जो भी बातें बताई थी या फिर और किसी के ख़िलाफ़ जो भी कुछ बातें बताई थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, वो लोग आशीष जी के जाने के बाद में क्या क्या मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ, कैसे कैसे लोग मुझे ट्रीट करते थे, वो सारी बातें उनमें उसने वीडियोस में बताई थी, और वो सारे वीडियोस उन्होंने डिलीट कर दिए। क्योंकि अब जब मैंने वीडियो देखा आज से 11 महीने पहले जब वो जबलपुर जाती हैं, तो उनकी सासू माँ उनको इतने अच्छे से ट्रीट कर रही थी, मतलब कहीं भी आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ जो नेहा ने उनके ख़िलाफ़ बोला था ऐसा कुछ हुआ होगा। बट इसको भी हम नहीं नकार सकते कि नेहा ने खुद वो अपने वीडियो में बोला था कि मुझे मेरे सास ससुर ने या फिर और भी लोग थे उन्होंने कैसे ट्रीट किया। बट अगर मैं बात करूं कि उनकी देवरानी जिठाने की यहाँ पर, तो दोनों में मुझे लगता है शायद शुरू से ही नहीं बनी है, क्योंकि जब नेहा वहाँ पर गई थी इतने दिनों बाद भी, तब भी उनकी देवरानी वहाँ पर सामने एक भी बार नहीं आई, ना ही उन्होंने अपनी जिठानी के पैर छुए। अगर कंचन तिवारी में इतने ही संस्कार होते या फिर इतने ही और अच्छी उनके मतलब वो बोले बातें होती, तो कितनी भी बुराई हो जाए, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाएं, कम से कम अगर इतने दिनों बाद आपकी जिठानी घर आ रही है तो आपको अरे यार एक बार तो पूछना ही चाहिए कम से कम कि कैसे हैं, क्या चल रहा है, पैर छूना चाहिए। बट पूरा वीडियो, 3-4 वीडियो थे इससे रिलेटेड मैंने पूरे देखे, एक में भी उनकी देवरानी नहीं आई है, ना ही कोई जिक्र आया है। देवर जी की बात करूँ तो ठीक है, उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, देवर जी ठीक है नेहा के साथ में, वो बिल्कुल सही है। अब वही हम बोल रहे हैं ना, जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते। वीडियो में आप और आगे देखिए, और भी अच्छी अच्छी बातें, ऐसे ऐसे राज हैं जो आपको आगे सुनने के लिए मिलने वाले, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो गाइज़, यहाँ पर जो अभी अच्छा चेहरा दिखा रही हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, जी हाँ जी हाँ जी आप कैसे हैं, नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अब इस चेहरे के पीछे क्या सच्चाई है वो तो वही लोग जान सकते हैं जो उस घर में रह सकते हैं ना, सामने वाला कभी कोई नहीं जान सकता है ना। ऐसी सारी बातें हो रही है, ऐसे आप लोग नेहा के बारे में हम लोग अपने सोच बना के बैठे हुए हैं। बट उस औरत ने जितना सहा है ना, जितना सहा है और जिस सोच को वो लेकर आगे निकली है ना, वो शायद आज की औरत अगर ऐसे मिल जाए तो वो उसको हेड्स ऑफ है। कोई भी लेडीज़ हो, अगर उसके साथ जो कुछ हुआ है और उसको वो छोड़कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही है, अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी जीना चाह रही है, तो उसको सलाम है दिल से। उसने पूरा घर चलाया है, पूरा घर चलाया उसने। अब वो क्यों नहीं अब रही अपने ससुराल में, तो वो उसका मन ही जानता है, हम लोग तो नहीं जान पाएंगे। मैं अगर सिर्फ़ एक औरत होने के नाते ये कहूँगी कि भाई जहाँ भी रहो खुश रहो, या फिर उनके सास ससुर भी यही चाहते होंगे, अगर उनका बेटा नहीं है और वो उस घर में वो बहू नहीं रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, नहीं रहना चाहती है। बट कहीं ना कहीं उस समय वीडियो में एक बार ज़रूर उनकी सासू माँ से मुझे सुनने के लिए मिला कि ये चीज़ है टेडी बियर था जो आशीष जी ने नेहा को फर्स्ट टाइम बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो जब वो बोल रही थी कि बच्चों को खेलने के लिए दे दो अपनी देवरानी के, तो उन्होंने कहा नहीं रखे रहने दो, जब ताशी आएगी तब खेलेगी। मतलब कहीं ना कहीं देखो दादी को एक होप है अभी कि एक आशा उम्मीद थी कि नहीं ताशी अगर आएगी तो खेलेगी, बट उन्हें क्या पता है कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा तो कोई नहीं जानता है। जो भी है, बहुत अभी जो अच्छा हो रहा है उसके लिए तो हम यही बोलेंगे कि नेहा के लिए जो कुछ उसने सोचा, डिसीजन लिया, काफ़ी अच्छा है। और सबकी देखो अपनी अपनी किस्मत होती है, इस मामले में तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि जब किसी से हमारी शादी होती है तो वो भगवान की मर्ज़ी से होती है, बोलते हैं ना कि वो ऊपर वाला पहले से ही जोड़े बना के रखा हुआ रहता है, तो वही सारी चीज़ें होती है। अब उसकी जो किस्मत में होना था वो हो गया, भाई आशीष जी चले गए, बट कहीं ना कहीं और शायद उसकी लाइफ में जितने भगवान ने दुख दिए उससे भी अच्छा कुछ सुख आने वाला है,
और भी ऐसा कुछ उसको आगे देखने मिलने वाला है, तो वो तो भगवान की मर्जी है, उसकी किस्मत है जैसा भी है। क्योंकि काफ़ी लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं कि शादी कर रही है, पति को भूल गई, आशीष जी को भूल गई, क्या क्या बोला था कि मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट जो यादें हैं वो दिल से कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाएंगी, ज़िंदगी भर नहीं जाएंगी। पहला प्यार हमेशा पहला प्यार होता है, और उनके आशीष जी ने इतना प्यार दिया है नेहा को, क्योंकि नेहा के खुद बातों से वो प्यार झलकता है कि आशीष जी ने उसे कितना प्यार दिया है, वो फैमिली को बहुत प्यार दिया है उन्होंने, आशीष जी ने। तो गाइस चलो, अब आखिर जो भी है, उसने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट काफ़ी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर अभी भी चर्चा के विषय बनी हुई है, जो आप लोग जानते ही हैं कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, नेहा ने सबसे झूठ बोला, नेहा क्यों झूठ बोल रही है। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कभी सचिन के बंद कमरे के दरवाजे का सच, और कभी भोपाल की सगाई वाला सच, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो परिस्थितियाँ करवाती हैं ना। आप कैसे क्या परिस्थिति यहाँ रही हैं, उस समय कैसा क्या जवाब देना है, कैसे रिएक्ट करना है, वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग जज करने वाले कौन होते हैं, बट ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका अगर आप क्लियर जवाब दे दो, क्लियर रिस्पॉन्स दे दो, तो ऑडियंस का खुद ही बंद हो जाता है मुंह, ये आपको सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेहा इन चीज़ों को कभी कभी इग्नोर कर देती है, जब वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है तो वही एक बड़ा इशू बन जाता है ना, वही एक बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए इन चीज़ों को अब वो काफ़ी, जब इसके साथ हो चुकी है ऐसी सारी चीज़ें ना, तो वो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के बोलना, कहाँ पर क्या चीज़ बोलना है नहीं बोलना, सोच समझ के कदम रखती है सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो काफ़ी समय से एक्टिव है, हर किसी चीज़ पे कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वही सारी चीज़ें हैं। बट चलो ये सारी बातें अगर हम छोड़ भी देते हैं, हटा भी देते हैं, तो मुझे जो सारी बातों में कुछ एक समझ में आया, एक जो आखिरी का सार है वो ये मैं मुझे समझ में आया है, जो कि फैमिली अच्छी है दोनों तरफ से, नेहा की भी फैमिली अच्छी है, उनके मम्मी पापा अच्छे हैं, भाई की तो क्या ही तारीफ़ करे, पूरा जग तारीफ़ करता है, हर पल हमेशा उसने साथ दिया है अपनी बहन का, अपनी दीदी का। और हम तो भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा ऐसा भाई दे सभी को, तो दीदी भी उसकी इतनी ही अच्छी होगी, तभी तो उसका भाई इतना अच्छा मिला है। तो जो भी है ऑडियंस में, ये तो खैर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, बाकी हम कामना करते हैं कि जो भी नेहा की ज़िंदगी में आगे हो, अच्छा हो, अच्छी फैमिली मिले, अच्छे पति मिले, ताशी को प्यार करने वाले पापा मिले, वही सारी चीज़ें हैं। तो गाइस आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये कि आप नेहा को खूब सारा प्यार दें, और जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी की चीज़ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अगर हम अपनी ही लाइफ को देख लें तो हमारे साथ क्या है, पहले अपने आप को तो हम लोग देख लें, झांक करना, उसके बाद किसी सामने वाले को जज करें, तो वो भी उसी के साथ अपनी परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है। अगर मेरे विचार, मेरे थॉट्स नेहा के लिए कुछ भी हैं, अगर आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यार थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाओ, ताकि लोग आपको पसंद करें। और मुझे तो लग रहा है सुमित जी ने जो काम किया है उनके लिए भी हैट्स ऑफ है यार, फैमिली को प्यार देना और उनकी मतलब इज्जत करना, वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो बेस्ट जोड़ी और बेस्ट मम्मी पापा ताशी को मिले आगे की लाइफ के लिए, जो वो चाहती है उसको दोनों का प्यार मिले, तो हमारी बेस्ट विशेष है। बस इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखें।